19 अक्टूबर के करंट अफेयर। आज के वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन संबंधित है महाराणा प्रताप इनविंसिबल वॉरियर से संबंधित है। ये जो बुक है महाराणा प्रताप इनविंसिबल वॉरियर, ये किसने लिखी है? ये लिखी है रीमा हुजा ने, ये बुक लिखी है। ठीक है, बात करें रीमा हुजा कौन है, तो रीमा हुजा एक इतिहासकार है जिन्होंने महाराणा प्रताप पर महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर बुक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है ओलंपिक गेम्स से, जो युवा ओलंपिक खेल जो हो रहे हैं, जो हो गए हैं ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है, वहाँ पर आकाश मलिक ने कौन सा पदक जीता है तीरंदाजी में? तो आकाश मलिक ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। ठीक है, और ये तीरंदाजी में पहला रजत पदक है। ठीक है, कौन सा रजत पदक है? पहला रजत पदक है तीरंदाजी में। ठीक है, और आकाश मलिक की बात करें तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, और युवा ओलंपिक खेलों को अगर अपन बात करें कि वहाँ का शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है वहाँ का, तो मस्कट है पंडी। और ये मस्कट क्या होते हैं? ये होते हैं किसी भी, जैसे जहाँ पर भी गेम्स आयोजित हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो जो भी जीव जंतु या पक्षी जो भी पॉपुलर है, जो भी फेमस है, तो उसके नाम पर ये मस्कट रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है रिलायंस इंडस्ट्री से। रिलायंस इंडस्ट्री की जो जियो है वो तो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या है, टीवी का जो सेक्टर है उसको भी कवर करना चाह रही है, टेलीविजन का सेक्टर है जो, तो उसमें इसने दो कंपनी के साथ अपना टाई अप किया है। ठीक है, उनके साथ साझा किया है। तो दो कंपनी कौन कौन है, वो है एक तो डेन नेटवर्क्स और दूसरी है हेथवे केबल और टाटा कॉम लिमिटेड के साथ इन्होंने निवेश किया है। कौन कौन सी? डेन नेटवर्क्स, हेथवे केबल और डाटा कॉम लिमिटेड के साथ निवेश किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में क्या है कि एक सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनने वाला है। सुरंग के अंदर देश का पहला रेलवे स्टेशन, सुरंग के अंदर कभी भी आज दिन तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना, तो सुरंग के अंदर देश का पहला रेलवे स्टेशन बनने वाला है हिमाचल प्रदेश में। और साथ में एक और चीज़ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश ने इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस भी कहाँ चली? हिमाचल प्रदेश में। और देश के अंदर, देश सुरंग के अंदर पहला रेलवे स्टेशन भी कहाँ पे बना? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है पुरुषों की विश्व कप से। पुरुषों के विश्व कप स्टार्ट हो चुका है, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में चल रहा है। ठीक है, और इसमें बात करें तो यहाँ का जो शुभंकर है, इस गेम का जो शुभंकर है वो है ओली कछुआ। ओली कछुआ इसका शुभंकर है। ठीक है, और बात करें पुरुषों की टीम की, तो पुरुषों की टीम से जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, पुरुषों की टीम वहाँ पे भी गई थी जकार्ता में, तो वहाँ पे इन्होंने कौन सा पदक जीता था? वहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता था पुरुषों की टीम ने। ठीक है, और अभी इसका पुरुषों की टीम का विश्व कप हो रहा है भुवनेश्वर में, तो इसका जो शुभंकर है वो क्या है? ओली कछुआ शुभंकर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है इनके? तो इनके अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है युवा ओलंपिक खेल। वापस युवा ओलंपिक खेल से संबंधित है। युवा ओलंपिक खेल खत्म हो चुके हैं जो ब्यूनस आयर्स में आयोजित हो रहे थे, अर्जेंटीना की कैपिटल। तो बात करें भारत ने कितने पदक जीते हैं यहाँ पे, तो भारत ने 13 पदक जीते हैं कुल। 13 पदक में 3 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, बात करें 2014 में कितने पदक जीते थे, तो 2014 में मात्र 8 पदक जीते थे, 2010 में मात्र 2 पदक जीते थे। ठीक है, अब भारत ने 13 पदक जीते हैं 2018 में युवा ओलंपिक खेल में, तो भारत का स्थान कौन सा है इसके अकॉर्डिंग, 13 पदक के अकॉर्डिंग? तो भारत का 16वां स्थान है। ठीक है, और अभी तक जूडो में भारत ने कभी भी कोई पदक नहीं जीता, तो पहला पदक जीता है जूडो में, और किसने जीता है? थांग जंग तबाबी देवी ने पहला पदक जूडो में जीता है भारत के लिए अभी तक। और युवा ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल कौन लेके आए थे? तो पहला गोल्ड मेडल लेके आए थे लालरी नुंगा ने, पहला भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए थे। और ये किससे संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। दूसरा गोल्ड कौन लाए थे? तो मनु भाकर लाई थी, जो इस साल युवा ओलंपिक खेल में ध्वजवाहक भी बनी थी, जो एक निशानेबाज है। ठीक है, और थर्ड गोल्ड कौन लेके आए थे? तो थर्ड गोल्ड लेके आए थे सौरभ चौधरी, जो भी एक निशानेबाज है। ठीक है,
और बात करें मेन और वुमेन हॉकी की टीम की, तो मेन और वुमेन दोनों हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है युवा ओलंपिक खेल में, ठीक है। और बात करें शीर्ष पर कौन रहा है युवा ओलंपिक खेल में, तो शीर्ष पर रहा है रूस। पहले हमेशा चीन रहता था, लेकिन इस बार रूस है, दूसरे नंबर पर चीन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है हैंड इन हैंड अभ्यास। ये जो हैंड इन हैंड अभ्यास है किसके साथ किया जाता है, तो किसके साथ किया जा रहा है, ये चीन के साथ किया जा रहा है, ठीक है। ये पहले भी किया जाता था, अभी कुछ वजह डोकलाम जो विवाद है चीन के साथ, ये उसकी वजह से इसको रोक दिया गया था, लेकिन अब वापस शुरू हो गया है, ठीक है। ये कब किया जाएगा, ये किया जाएगा दिसंबर 2018 में किया जाएगा, ठीक है। इसको HIH भी बोल सकते हैं, हैंड इन हैंड। और ये कौन सा एडिशन है, ये सातवां एडिशन है, ठीक है। इसे हैंड इन हैंड जो चाइना के साथ होता है, इस अभ्यास का सातवां एडिशन है। आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है सबसे विकसित गांव। भारत का सबसे विकसित गांव कौन सा है, भारत का सबसे विकसित गांव है कुलगोड, जो कि कर्नाटका में स्थित है। जो इसको किसने बताया है, किसने इसको विकसित कहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय सर्वेक्षण के अनुसार कोलगुड गांव को, जो कि कर्नाटका में स्थित है, सबसे विकसित गांव बताया गया है। कौन सा, कोलगोड गांव सबसे विकसित है, जो कि कर्नाटका में, ठीक है। आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है भारत आंतरिक सुरक्षा सहयोग। भारत आंतरिक सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किस देश ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उस देश का नाम है चीन। चीन देश ने भारत आंतरिक सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। अब चीन की बात हुई है, तो चीन की हमें राजधानी पता होनी चाहिए। चीन की राजधानी बीजिंग, वहाँ के राष्ट्रपति है सी जिनपिंग, और वहाँ की मुद्रा है रेनबी, वहाँ की मुद्रा है, ठीक है। ये हो गए अपने चीन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है शाही लीची से। शाही लीची क्या है, शाही लीची एक फ्रूट, एक फल है, तो किस राज्य को इसके इसके लिए जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग मिला है बिहार को मिला है, ठीक है। बात करें जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है, जीआई क्या है, जीआई की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई की फुल फॉर्म है, जो कि शाही लीची के लिए बिहार को मिला है, ठीक है। और जीआई टैग कैसे मिलता है, जीआई टैग उन ऐसे उस हिसाब से मिलता है, जैसे किसी भी एरिया में, जैसे आम उस एरिया के ज़्यादा फेमस है, तो उस एरिया के लिए आमों को बता दिया जाता है कि हाँ कि इस तरह के आम यहीं पर मिलते हैं, या इस तरह की लीची यहीं पर मिलती है। तो शाही लीची के लिए बिहार को जीआई टैग मिल चुका है। कुछ दिनों पहले अभी अल्फोंस आम के लिए भी जीआई टैग मिला था, और ये जीआई टैग मिला था महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा अच्छे अल्फोंस आम पाए जाते हैं, तो ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है किफ़ायती जल कीटाणु शोधन प्रणाली, ठीक है। किफ़ायती जल शोधन प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। तो इसको किसने विकसित किया, इसको विकसित किया CSIR ने इसको विकसित किया है, ठीक है। और इस प्रणाली का नाम क्या है, जो कि काफ़ी किफ़ायती जल कीटाणु शोधन प्रणाली है, इस प्रणाली का नाम है ओनिर ट्रेडमार्क। ओनिर ट्रेडमार्क इस प्रणाली का नाम है, जो कि काफ़ी किफ़ायती है जल कीटाणु शोधन के लिए, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है मानव रहित परिवहन ड्रोन परीक्षण, ठीक है। मानव रहित परिवहन ड्रोन परीक्षण का परीक्षण किया गया है, किस देश में किया गया है, किस देश ने किया है, तो किया है चीन से, चीन देश ने इसका परीक्षण किया है, ठीक है। और इस ड्रोन का नाम क्या है, इस ड्रोन का नाम है फिनहांग 98, इसका नाम है, इसको FS-98 भी बोल सकते हैं, तो इसका नाम है फिनहांग, इसका नाम है, ठीक है। इसको डेवलप्ड और मॉडिफाइड किसने किया है, तो इसको डेवलप्ड और मॉडिफाइड किया है चाइना अकेडमी ऑफ एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ने इसको मॉडिफाइड किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है धुआं मुक्त करने वाले को, धुआं मुक्त करने को तैयार राज्य। कौन सा राज्य है जो धुआं मुक्त होने वाला है, वो राज्य है केरल। कौन सा राज्य है, केरल। केरल राज्य क्यों है धुआं मुक्त, धुआं मुक्त क्या मतलब है, धुआं मुक्त मतलब है वहाँ पे LPG का यूज़ बढ़ता जा रहा है, 100% LPG हो गया है, तो लगभग वो धुआं मुक्त हो चुका है, ठीक है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के जो CM है वो है P. विजयन, और वहाँ के जो गवर्नर है वो P. सदाशिवम वहाँ के गवर्नर है, ठीक है। एक और चीज़ है वहाँ पे, एक शांत घाटी पाई जाती है, साइलेंट वैली पाई जाती है, वो भी कौन से राज्य में स्थित है, वो भी केरल में स्थित है। और पेरियार जीव अभयारण्य, पेरियार जीव अभयारण्य भी कहाँ पर है, केरल में ही स्थित है। और एक और घाटी है जो फूलों की घाटी है, वो कहाँ पर पाई जाती है, वह अलग राज्य में पाई जाती है, वो है उत्तराखंड में पाई जाती है फूलों की घाटी, और शांत घाटी केरल में पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार से संबंधित है अपना ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो पुरस्कार है किसको मिला है ये पुरस्कार, ये पुरस्कार मिला है सोहेल टंडन को, ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार सोहेल टंडन को मिला है। सोहेल टंडन को क्यों मिला है? ये मिला है खेलों के प्रति उनका विकास, खेलों के विकास में उनका जो योगदान है उसको देखते हुए सोहेल टंडन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन संबंधित है अपना, पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम, पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहाँ पर खोला गया, ये क्वेश्चन है। तो कहाँ पर खोला गया ये एटीएम, ये खोला गया है बेंगलोर में, एक मॉल है वहाँ पर खोला गया है। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, एक मुद्रा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ऐसे उसको हाथ में नहीं ले सकते, ये बस इंटरनेट पे होती है। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी होती है। ठीक है, जैसे अभी चर्चाओं में था बिटकॉइन, वो क्रिप्टो करेंसी थी। ठीक है, बेंगलोर की एक बात हुई है, तो बेंगलोर का ने अपना ऑफिशियल लोगो भी लॉन्च किया है। ठीक है, ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है, पहला है। तो ये किसी दो भाषाओं में है, तो इंग्लिश और प्लस कन्नड़ दोनों का मिक्सअप करके ही इसने लोगो बनाया है। ठीक है, पहली सिटी बेंगलोर जिन्हें अपना अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। ठीक है, वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अभी अभी जस्ट पता पड़ा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवार्ड के लिए हरदीनाथ पुरस्कार किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हरदीनाथ पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है खयाम को, ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, खयाम को ये पुरस्कार मिला है। हरदीनाथ पुरस्कार क्या है? इसमें 1 लाख रुपए की प्राइज और एक पदक दिया जाता है। ठीक है, तो हो गया अपने 19 तारीख के करंट अफेयर। ठीक है, आज के वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने जो दोस्त हैं जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल से जोड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।